नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज सिमिलर टू, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता है कि जब हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन में बात करते हैं, ठीक है, तो रेडियस जो है स्लोली डिक्रीज होती है और बाद में स्लोली बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ से अगर हम देखें कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन में ये 3D का मैं ग्राफ बनाऊँ, फिर 4D का ग्राफ ऐसा आएगा और 5D जस्ट ओवरलैपिंग आएगा, ये 4D और ये 5D, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन ये बोलता है कि रेडियस ऑफ 4D इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 5D एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो मैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में अगर मैं देखूं, तो ये 3D एलिमेंट कहलाता है, ये 4D और ये 5D, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर मानी जाएगी बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू गोल्ड रेडियस AU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अब हमें तीन फोर्सेस दिए हुए हैं, आयन आयन, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंपल आयन आयन लेता हूँ, ठीक है, तो आयन के बीच का जो फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, आयन आयन जो है फर्स्ट नंबर होगा। फिर आयन डाइपोल, जैसे मान लो Na+ के सामने आ गया वाटर या HCl, और उसके बाद डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अकेला अगर आयन होगा तो दूसरे आयन के साथ सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, उसके बाद आयन डाइपोल सेकेंड नंबर पे और डाइपोल डाइपोल लास्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर इज आयन आयन मोर देन आयन डाइपोल एंड मोर देन डाइपोल डाइपोल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखें कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब यूजुअल ट्रेंड ये होता है कि जब नीचे जाते हैं हम, ठीक है, तो साइज़ बड़ा होता जाता है, और साइज़ अगर बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। तो नॉर्मल ऑर्डर ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम ये बोलें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है कि जब किसी एटम में, आइसोलेटेड एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गैसियस एटम में, तो वो A- बनाएगा, यहाँ जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक, ये हमें पता लग गया। अब इसमें यह होगा कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मानी जाएगी। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी यहाँ ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए, यानी यूजुअल ऑर्डर होना चाहिए था कि फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक एक्सेप्शन आता है कि 2P और 3P ग्रुप में ज़्यादा होता है 3P का, इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में देखूं मैं तो क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन देन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, तो करेक्ट ऑर्डर होगा ये वाला। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट और सेकंड वाला होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का हाईएस्ट होगा, ठीक है, इसका सेकंड हाईएस्ट है इस ऑर्डर में, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे और ये लास्ट लीस्ट, ठीक ना। तो जो ऑप्शन थे उनमें से करेक्ट ऑप्शन था ये, जिसमें इस ऑर्डर में दिया हुआ फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो ये हमने जो माइनस किया है यहाँ 0.68 माइनस 0.522 ये होगा 0.158 वोल्ट आंसर। चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस JEE 2020 मेन 7 अप्रैल टुडेज एग्जाम क्वेश्चन पेपर। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन इफ आई राइट द रिएक्शन कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर एंड द पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट, द सेकेंड रिएक्शन इज कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर एंड इट इज द पोटेंशियल इज गिवन एज 0.522 वोल्ट। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट कि कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू कॉपर प्लस एंड E3 विल बी
he is asking about the potential of third reaction. Now these are the oxidation and reduction reactions, and the by the help of two our reduction reactions we have to find out third reduction reaction. So what we are going to do, we will solve it by, if I count it as a first equation, second equation, and now this one is third equation. How to obtain the third equation? If I subtract first equation minus second equation, it will give third equation. From first equation, if I minus second equation, it is going to give third equation. Now we are going to use delta G method. So delta G1 is equal to minus NF E1. The N is electron used in this reaction. So electrons are 2. In the second reaction, delta G2 is equal to minus NF E2, where number of electrons are 1. And third reaction, delta G3 is equal to minus NF E3, where number of electrons involved in third reaction is 1. So what will happen, that if I put delta G1 minus delta G2 is equal to delta G3. So it is minus 2 F E1 minus of minus 1 into F into E2 is equal to minus 1 into F into E3. यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो E3 will be equal to 2 E1 minus E2. Now E1 is 0.34 and E2 is 0.522. So 2 into 0.34 minus 0.522. So it will come out as 0.68 minus 0.522. Means 8, now यहाँ से 5 and 0.58 is the answer of this question. This question का copper plus 2 copper plus निकाल रहे हैं. So answer will be 0.058.